8 अगस्त 2019 पीएम मोदी आर्टिकल 370 खत्म करने पर एक स्पीच दे रहे हैं। भाषण के आखिरी हिस्से में उन्होंने 21 साल की रुखसाना कौसर की कहानी सुनाई। इसी कश्मीरी लड़की पर अब एक फिल्म बन रही है जिसमें रुखसाना का किरदार श्रद्धा कपूर की निभाने की खबरें हैं। साल 1989 था, हथियार लहराते हुए नौजवान शहर में निकलने लगे थे। इस याद दौर में राजौरी जिले के सहदरा शरीफ गाँव में 27 सितम्बर 2009 रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाने या ठहरने के फिराक में आतंकी आया जाया करते थे। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने नूर हुसैन के दरवाजे पर दस्तक दी। नूर हुसैन ने दरवाजा नहीं खोला तो आतंकी खिड़की के रास्ते दाखिल होने लगे। इस दौरान राशिदा ने अपनी बेटी रुखसाना कौसर को छिपा लिया। आतंकियों ने रुखसाना को अपने हवाले करने की मांग। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। रुखसाना ने लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहीं एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार किया। वो वहीं गिर पड़ा। दूसरे आतंकी ने फायर झोंक दिया। तब तक घर के दूसरे लोग भी आतंकियों पर झपट पड़े। रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी भाग खड़े। इसके बाद रुखसाना अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और हथियार सौंप दिया। बाद में पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। इस घटना के बाद और खुलासा हुआ। 24 जुलाई 2009 को रुखसाना और उसकी चाची कुलजुम परी को एजाज समीर और कुछ साथी आतंकियों ने अगवा कर लिया। रुखसाना ने पुलिस पर केस दबाने का आरोप लगाया। रुखसाना ने कहा कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने अगवा करने वाली बात से इनकार करने पर पैसे देने की बात कही थी, लेकिन बयान दर्ज होने के बाद कोई पैसे नहीं दिए। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की बात कंफर्म नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। उस वक्त राजौरी के SSP शफकत वताली ने रुखसाना के अगवा होने की बात स्वीकार की थी। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उसकी बहादुरी के लिए कृति चक्र दिया गया। उसने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल है। उन्होंने 2013 में कबीर हुसैन से शादी कर ली। उसके पति भी राजौरी में ही सब इंस्पेक्टर हैं। दोनों की 3 बेटियां हैं। रुखसाना का कहना है, मेरी अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का मुकाबला किया, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटियां ज्यादा सुरक्षित दुनिया में रहें। मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहती हूँ। रुखसाना कौसर की कहानी पर अब फिल्म भी बन रही है। इसमें रुखसाना का किरदार श्रद्धा कपूर निभाएंगी। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने एक्ट्रेस से बातचीत शुरू की है, लेकिन अभी तक इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर सब कुछ सही रहता है तो ये श्रद्धा की दूसरी फिल्म होगी जो रियल स्टोरी बेस्ड होगी। इससे पहले वो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का किरदार निभा चुकी है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।